क्योंकि एक ही ये शास्त्र गीता है, सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है, जिसमें ये बात खंडन की हुई है। क्या कि सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? गीता में तो लिखा है ना, ये सृष्टि एक वृक्ष है, तो वृक्ष का बीज भी तो कोई होगा, उस बीज में सारा वृक्ष निकलता है, उसी बीज में फिर समा जाता है। तो सर्वव्यापी कहाँ हुआ? सर्वव्यापी हुआ पत्तों पत्तों में व्यापी हुआ इस सृष्टि रूपी झाड़ में 500-700 करोड़ मनुष्य के पत्ते हैं, तो उन पत्तों में व्यापक है क्या? और गीता में तो साफ लिखा हुआ है, नाहम तेषु ते मये, मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में है। माने बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन पत्तों पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ है, न डालियों में समाया हुआ है, न फलों में, न फूलों में, न फलों में,